सो है गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइज। तो भाई हमारी एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो भाई, आज ये 17-18 बेल सारी अलग अलग वैरायटी की आपके सामने खुलने वाली है। तो भाई मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एक खुलेगा भाई अंगूरा बालू, एक भाई HD कंपनी का स्टॉल खुलेगा, और एक बेल खुलेगी अपनी भाई स्वेट शर्ट की माउंटेन लोअर आका कंपनी का, जो सबसे बेस्ट लोअर होता है कोरिया के अंदर, हैवी माउंटेन खुलेगा। और भाई ये 035V आका कंपनी में बंडा होता भाई ये। चिल्ड्रन स्वेटर, वुलन कैप, विंटर शर्ट, मैंस पार्का, और भाई लेडीज विंटर पैंट, मैन स्वेटर, और लाइट जिपर जैकेट, मैन कॉटन पैंट हैवी, हुडी हैवी, और भाई लेडीज की पार्का जैकेट। ये सारी बेलें भाई इस वीडियो में आपके सामने खुलने। तो भाई सबसे पहले हम भाई बेल खुलने वाले हैं 22D मेंस पार्का जैकेट, टोटली फोल्डेड माल रहेगा इसके अंदर। 80 किलो की बेलें रहने वाली भाई ये सारी, और ये देखो टोटली इसके अंदर भाई आपका फोल्डेड माल निकलेगा रस्सी से बंधा हुआ। ये भाई कम से कम 4-5 बार ये माल चेक करके हमारे पास आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये मल्टीपल टाइम चेक होता है। ये देखो मेंस पार्का जैकेट, ये देखो ये भाई प्रेस होने के बाद इसमें से सारे रिंकल्स हट जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा माल हो जाएगा। ये देखो हमारा पहला पीस है अभी भाई, इस पे एक बार इसको प्रेस पे भेज के इस पे प्रेस करवा के भी आपके दिखाएंगे। डबल लेयर की जैकेट है ये देखो, इसके अंदर एक ही जैकेट के अंदर आपकी दो जैकेट है, ये देखो ये भाई आपकी मेंस पार्का जैकेट। ये भाई प्रेसिंग के बाद सारी जैकेट आपकी खुल जाएगी, और 80 किलो की ये बेल रहने वाली है। इसमें भाई आपके पीस आएंगे 90 से 110 के बीच में इसके अंदर पीस रहते हैं, ये देखो। और भाई प्रेस होते ही बिल्कुल शोरूम वाला माल हो जाएगा सारा, एक एक पीस आपको जैसे दिख रहा है भाई ऐसे इसके अंदर फोल्डेड आने वाला है। ये देखो इस पीस पे मैं अभी भाई प्रेसिंग के लिए इस पीस पे भेजूंगा, और अभी देखो प्रेसिंग से पहले भाई कितने सारे रिंकल्स हैं इसके अंदर, और प्रेसिंग के बाद आप देखना बिल्कुल साफ सुथरा माल हो जाएगा। ये देखो ये अभी प्रेसिंग पे भेज रहा हूं मैं, ये देखो टोटली भाई पीस इसमें ऐसे ही निकलेंगे सारे फोल्डेड। ये देखो ये एक पीस कम से कम भाई 5-6 बार चेक करके हमारे पास आता है। ये देखो ये ऐसे ही गड्डी बंदी मिलेंगी पार्का जैकेट की पूरी बेल के अंदर। और जो भाई असली शाइनिंग इसमें आती भाई वो प्रेसिंग के बाद ही आएगी आपकी, ये देखो मेंस की पार्का जैकेट। जो अभी जैकेट गई है भाई वो आप सेम ऐसी देख सकते हो कि रिंकल वाली है, अभी 1-1.5 मिनट के अंदर भाई अपनी वो जैकेट आ जाएगी, उसके बाद आप क्वालिटी चेक करना कितनी जबरदस्त क्वालिटी उसकी हो जाएगी। साइज इसमें सारे मिलेंगे SML और XL। नेक्स्ट बेल रहेगी भाई अपनी लेडीज, इसको भाई विंटर पैंट भी बोल सकते, इसमें वेलवेट के पजामे आपके भाई कोटराइज के कॉटन के गर्म पजामे सारे इसके अंदर निकलने वाले आपके। ये देखो इसके अंदर गर्म पजामे निकलेंगे आपके, ये देखो इलास्टिक इसका, इसमें भाई कुछ आपकी प्लाजो भी निकलेंगे विंटर की, जो पजामे से बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसमें आपका सारा भाई कलर मिक्स रहेगा विंटर की, ये वुलन पैंट है। ये देखो इसके अंदर जेबें भी मिलेंगी आपको, सबसे ज्यादा भाई इसका वुलन पैंट का या किसी भी पैंट का पता चलता है इलास्टिक से, अगर भाई उसका इलास्टिक ढीला है तो भाई समझो वो माल खराब है या वो माल पुराना है। आप किसी भी पीस का इसके अंदर इलास्टिक चेक कर सकते हो, आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। ये देखो और ये देखो भाई इसके अंदर जेब भी मिलने वाली है, ये देखो पूरी
लॉन्ग जेब है पूरी लेंथ की, ये देखो लेडीज विंटर पैंट। ये देखो अलग अलग कलर की इसके अंदर भाई आपको ये पेंटे मिलने वाली। ये देखो ये इसके अंदर वुलन पैंट विंटर पैंट सारी इसके अंदर मिक्स निकलेंगे। ये देखो वेलवेट की पैंट है, सबसे ज्यादा ये चलती है क्योंकि इसका कपड़ा होता है भाई बहुत ही मुलायम। ये देखो इलास्टिक चेक करो। ये देखो मैं एक दो पैंट और भेजता हूँ ये प्रेसिंग पे। ये देखो अपनी जैकेट आगे दिखाओ, इस पर करवा दो। ये देखो अभी जो आपके सामने पर्का जैकेट गई थी इसकी भाई कैसी हालत थी, अब देखो इसमें से सारे रिंकल्स आपके सामने हट गए, बिल्कुल प्लेन बिल्कुल साफ सुथरा माल आपका हो गया। और सबसे बड़ी बात अभी इस पे ताज़ा ताज़ा प्रेस हुई है, अगर आप इसको भाई 2-4 मिनट हम इसको ऐसे ही हवा में रख देंगे इस पर का जैकेट के ऊपर और फुलावट आ जाएगी, क्योंकि जो स्टीम प्रेस होती है उसमें यहाँ से भाई पानी फेंकती है और उससे थोड़ी गिल्ली गिल्ली हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भाई इसमें आवाज़ आने के कारण और फुलावट आएगी, क्योंकि इस पर का जैकेट के अंदर भाई रुई भी होती है और दूसरा नाइलॉन टाइप का मटेरियल भी होता है जो अंदर से गर्म रखता है, पंख भी होते हैं इसके अंदर, तो भाई वो गिल्ला होने के कारण सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपकी और मोटी हो जाएगी पर्का जैकेट। अब आप दोनों में अंतर देखो, ये जैकेट भी नहीं में से गई थी, एक इस जैकेट को देखो आप प्रेस होने से पहले और एक बार भाई इस जैकेट को चेक करो प्रेस होने के बाद में, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और ये देखो अभी वुलन पैंट है और एक वुलन पैंट मैंने भी प्रेसिंग होने के लिए भेजी है, अब दोनों में फिर से फर्क देखना आप। ये सबसे अच्छा आइटम होता है वुलन पैंट का, क्योंकि हम लोग भाई टॉप तो ले जाते लेकिन पैंट नहीं लेके जाते वुलन का। ये देखो इलास्टिक बिल्कुल सही, ये देखो भाई नेक्स्ट बेल रहेगी अपनी, जैसे भाई वुमेन की पैंट थी अभी आ गई मेंस की। ये देखो जेंट्स की पैंट मिलेगी इसमें, इसमें भाई आपके जोगर भी मिलेंगे। ये देखो ये देखो आजकल भाई पैंट इलास्टिक वाले भी आती हैं और भाई उक वाले भी आती है, आपको इसमें दोनों मिलेंगे। दिखो ये देखो ये भाई आपकी वुलन पैंट प्रेसिंग होने के बाद में, ये देखो ये भाई आपकी प्रेसिंग होने से पहले। और इस पे भी प्रेसिंग होने के बाद ये भी बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी आपकी। ये देखो मेंस की पैंट, ये देखो एक बार करवा के लेके आना इस पे भी प्रे। ये देखो तो भाई ये मेंस की विंटर पैंट है, ये देखो ये टोटली गर्म होती है और भाई कुछ इसमें कार्गो टाइप की भी आपकी पैंटें निकलने वाली, कार्गो का आपको रेट पता भाई 400 रुपए किलो से कम का कार्गो नहीं आता। ये देखो भाई ये कार्गो की पैंट अभी बोल ही रहा था और आपके सामने निकल गई, ये आपको उसके आधे से भी कम रेट में मिलेगी जो मैं अभी पैंट दिखा रहा हूँ। ये देखो कार्गो मेरे साइज की है, 400 रुपए किलो का प्राइस होता है कार्गो का। ये देखो 6 पॉकेट कार्गो है, 2 पॉकेट ये रही, 2 पॉकेट ये रही, 2 पॉकेट पीछे। ये देखो कार्गो, ये देखो भाई आपकी पैंट, ये अभी आपको भाई ऐसा लग रहा होगा कि इसमें सलवटे हैं इसमें, लेकिन प्रेसिंग होने के बाद ये बिल्कुल फॉर्मल पैंट हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी आपकी। ये देखो भाई एक और आपकी कार्गो पैंट, ये देखो 400 रुपए किलो वाला माल भी निकलेगा इसमें आपका। ये देखो कार्गो पैंट आपको भाई 350-400 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी, हल्की क्वालिटी की भी।
ये देखो, ये आपकी इसमें अंदर फॉर्मल पैंट और भाई कुछ इसमें आपकी कार्गो पैंट भी निकल जाएंगी। अगर इसमें 20 कार्गो पैंट भी निकल गई तो भाई आपकी पूरी बेल के पैसे उसी 20 पीस से पूरे हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बेल खोल लेंगे हम भाई, MTM हुडी। ये देखो इसके अंदर भी आपका 100% टोटली फोल्डेड माल निकलेगा। ये देखो रस्सी से बंधा हुआ। अगर इसको आप डायरेक्ट घर पे लेके जाना चाहो तो भाई डायरेक्ट घर पे भी लेके जा सकते हो, प्रेस की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रेस करवा लो तो कुछ नुकसान भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल। ये देखो भाई और भाई आप ये सोचते हो कि भाई आप शोरूम में से माल खरीद रहे हो तो भाई ये बिल्कुल शोरूम का नहीं, हमारी फैक्ट्री नहीं लगी हुई कोई कि आप ये बोलेंगे भैया ये डिजाइन के इस कलर के ये सारी चीजें हमारी जल्दी जल्दी निकाल दो, तो भाई फैक्ट्री की मशीन थोड़े कि एक मिनट में उसमें कमांड देंगे ऑर्डर देंगे और वो माल इसमें से आ जाएगा। 10% 15% इसमें लेडीज का भी निकलता, 80-85% इसमें मेंस का निकलता। ये देखो ये भाई, ये देखो कोटराइज पैंट मेंस की, ये अभी हमने प्रेसिंग के लिए भेज दी थी। ये देखो हुडी, इसमें साइज सारे निकलेंगे आपके SML XL और पीस भाई सारे आपको फोल्डेड मिलने वाले। ये देखो जिम वाले लड़कों के लिए, ये देखो भाई सारे प्रिंट आपको सही ताजा ताजा मिलेंगे। ये देखो ये मेरे साइज का, तो भाई ये हुडी रहने वाली है। टोटली माल आपको फोल्डेड मिलेगा, तय लगा हुआ। आप ऊपर से देखो, नीचे से देखो, बीच में से देखो, ये देखो कितने बड़े ब्रांड की हुडी है। ये देखो आप इससे मार्केट से ही लगा लो आइडिया। ये देखो ये देखो असली भाई माल का पता चलता है इस वाले स्टिकर से। ये देखने में भाई इसका रंग तो नहीं उड़ा हुआ, ये फिक्का तो नहीं है। आप इस स्टिकर को हाथ लगा के देखोगे भाई बिल्कुल फ्रेश स्टिकर मिलेगा। इसी हुडी में नहीं, हर एक हुडी में आपको ऐसे ही मिलेगा। ये देखो इसमें भी आप स्टिकर चेक कर सकते हो। ये देखो हर एक हुडी आपकी ऐसी शानदार निकलेगी। ये देखो प्रिंट चेक करो। अब भाई आप इसमें से 80 किलो की बेल में से 5 पीस 7 पीस 8 पीस निकाल के बोलोगे भैया देखो हमारे 5 पीस खराब निकले 10 पीस खराब निकले। ये देखो स्टिकर चेक करो। तो भाई प्रीमियम की ले लो, 100 रुपए किलो की ले लो, 500 रुपए किलो की ले लो, 5000 रुपए किलो की ले लो, 5-10% खराब 100% निकलेगा ही निकलेगा। कोई आपको झूठ बोल के दे या कोई सच बोल के दे, अगर नहीं निकला वो आपकी किस्मत है। बाकी लेके चलो 5% इसमें रिजेक्शन आपका 100% निकलेगा। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं कि कटाफटा निकलेगा। कुछ ऐसे पीस हैं भाई जो आपके एरिए में नहीं चलते बिल्कुल भी। ये देखो हुडी, ये देखो ऐसे ही हर एक भाई आपको इसमें फोल्डेड माल निकलेगा। ये देखो कितनी कलरफुल हुडी है बिल्कुल फ्रेश। अब भाई कोई गांव का लड़का वो बोलेगा भाई मेरे ऐसे कलर नहीं चलते, मेरा ये नहीं चलता। भाई कुछ ऐसे भी चीजें ये बोलेगा भाई मेरे को सारी ऐसी ऐसी चाहिए, तो भाई इसमें सबके मतलब का माल निकलता है, एक अकेले आदमी के मतलब का माल इसमें नहीं निकलता। ये देखो आप, और भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है आपको 20 रुपए की 30 रुपए की 50 रुपए का कुछ नया माल मिल जाएगा। ऐसी चीज ढूंढो भी मत, ऐसी चीज होती भी नहीं है। ये देखो
ये भाई नेक्स्ट बेल हम खोलने वाले अपनी लाइट जिपर जैकेट। ये देखो ये भी भाई आपका माल टोटली 100% फोल्डेड निकलेगा। ये चेक करो जी, ये देखो हर एक पीस की गड्डी बंदी मिलेगी, हर एक पीस आपका साफ सुथरा। ये चेक करो, ये देखो आपका लाइट जिपर जैकेट, ये भाई आपका लाइट जिपर जैकेट है। इसमें भाई आपका मेंस का निकलेगा 85-90% आपका इसमें मेंस का निकलने वाला लाइट जिपर जैकेट। हर एक पीस आपका फोल्डेड रहेगा। ये देखो ये भाई आपका लाइट जिपर जैकेट। ये भाई मेरा थोड़ा सा छोटा है, मेरे साइज का नहीं। ये देखो ये लाइट जिपर जैकेट होता है। तो भाई ऐसे ऐसे इसमें लाइट आपके जिपर जैकेट निकलेंगे। ये देखो एक और ये आर्मी डिजाइन की, ये देखो बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल, अंदर से फैब्रिक चेक करो। ये देखो और एक बार प्रेस होने के बाद ये आपका बिल्कुल सही साफ सुथरा बिल्कुल शोरूम में बेचने लायक हो जाएगा। ये देखो कितने हल्के हल्के अच्छे अच्छे पीस हैं। इनको भाई जिम वाले लड़के भी खरीदेंगे आपसे, इनसे भाई आपको जो सुबह दौड़ लगाते भाई रनिंग करते वो भी खरीद देंगे, और नॉर्मल कैजुअल यूज के लिए भी आपसे ये खरीद देंगे। ये देखो लाइट जिपर जैकेट, ये देखो प्रेस होने के बाद सारे रिंकल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा सीधा माल हो जाएगा आपका। इसमें भाई ऐसे ऐसे लाइट आपके जिपर जैकेट निकलेंगे। ये देखो हर एक भाई माल आपका टोटली फोल्डेड रहेगा इसमें। ये देखो सारा टोटली फोल्डेड, ऊपर से नीचे से आगे से, ये देखो ऐसे ऐसे 15-20 पीस। ये देखो बीच में से पीस निकालता हूँ, ये देखो ये आजकल भाई नीचे टी शर्ट डाल के ऊपर ये जैकेट डाल के बिल्कुल, ये देखो सारा भाई ट्रेंडी आइटम मिलेगा। ये देखो बिल्कुल फैशनेबल, ये लाइट जिपर जैकेट होती है, वजन में भी भाई कम होती है और पीस भी आपके ज्यादा चढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट बेल खोल लेंगे भाई अपने कैप की टोपी की। ये भी भाई 80 किलो की बेल रहने वाली, जैसे कि पिछली बेल 80 किलो की थी। इसमें निकलेंगे भाई 1 किलो में 10-12 पीस आपके निकलने वाले हैं। इसमें भाई बच्चे की, लेडीज की, मेंस की, सभी तरह की इसके अंदर कैप निकलेंगे। ये देखो ये देखो लेडीज की कैप, अंदर से देखो बिल्कुल गरम। ये देखो भाई बच्चे की, ये कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप लेके जाओगे। पीस बहुत सारे होते हैं लेकिन भाई सस्ता आइटम होता है, लोग जल्दी खरीदते हैं इनको। ये देखो लेडीज की सारी वुलन की कैप्स निकलेंगे इसमें। ये देखो अलग अलग डिजाइन की, हर तरीके की आपको इसके अंदर कैप मिलने वाली। ये देखो ये भाई वुलन की आपकी कैप रहेगी, टोटली कलरफुल माल रहेगा इसमें। ये देखो ये वुलन कैप है, ये भी भाई आपकी 80 किलो की बेल रहेगी। ये है भाई अपनी एक विंटर शर्ट, ये भी भाई आपकी 80 किलो की बेल रहेगी। ये देखो इसमें शर्टें निकलेंगी आपकी, ये देखो ये 80 किलो की बेल है शर्ट की। ये देखो डेनिम की,
इसमें भाई साइनिंग आएगी प्रेस के बाद में। ऐसी ऐसी मैं अभी एक शोरूम में से शर्ट खरीद के लेके आया था 15 दिन पहले। ये देखो, शायद आपने मेरी वीडियो में ये शर्ट देखी भी होगी। ऐसी ऐसी ये देखो, ऐसी भाई कलरफुल शर्ट निकलेंगे और प्रेस होते ही भाई ये बिल्कुल कहाँ गया अमन, देख जल्दी प्रेस करवा। फिर कटर कहाँ रख दिया मैंने? तो भाई नेक्स्ट बेल खोल लेंगे हम अंगूरा बालू की। ये देखो 80 किलो की बेल अंगूरा बालू, टोटली कलरफुल माल निकलेगा इसमें। ये देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है, बिल्कुल मलाई जैसा। ये देखो, ये अंगूरा बालू सारा टोटली कलरफुल आइटम निकलेगा इसमें। बिल्कुल हल्के हल्के पीस होते हैं, ये सारे फैशनेबल होते हैं। सबसे पहले ये किस साइड से, क्रॉप टॉप है क्या ये? अच्छा, ये गला है। हाँ, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है ये बालू अंगूरा। ये देखो भाई लूज में, ये देखो सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम होता है ये बालू अंगूरा। ये देखो, इसमें आपके बॉडी फिट भी निकलेंगे, ड्रेसेस टाइप भी निकलेंगे, सभी तरह के इसके अंदर आपके निकलने वाले भाई बालू अंगूरा। ये देखो, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक, सॉफ्ट कपड़ा होता है इसका बालू अंगूरा का। नेक्स्ट बेल खुलेगी भाई अपनी स्वेट शर्ट की, 80 किलो की बेल होती है। उड्डी में भाई टोपा होता है, इसमें भाई कैप नहीं होती ऊपर, तो ये स्वेट शर्ट होती है, इसको स्वेट टी शर्ट भी बोलते हैं। ये देखो गलांची पेरिस, ये देखो ये आपकी स्वेट टी शर्ट, इसमें भी भाई आपकी 10-15% लेडीज का निकलेगा और बाकी इसमें आपका मेंस एडल्ट निकलने वाला है। कुछ आइटम भाई ऐसे होते हैं उसमें 100% मेंस का आता नहीं है, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें 100% मेंस का आता है। आप कोई सी कंपनी में खरीद लो। ये देखो, ये भाई आपकी स्वेट टी शर्ट, ये भी भाई आपकी 80 किलो की बेल रहेगी। ये देखो स्टिकर, नेक्स्ट बेल रहेगी भाई अपनी कोरिया की। अच्छा, ये माउंटेन पेंट है भी, और एक ये भाई चिल्ड्रन स्वेटर, ये भी 80 किलो की बेल रहेगी चिल्ड्रन स्वेटर की। ये देखो बच्चों का स्वेटर, ये भाई छोटे बच्चों का स्वेटर होता है, इसमें भाई बॉय का भी आता है और गर्ल्स का भी आता है। ये देखो सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम होता है ये देखो छोटे छोटे बच्चियों का फ्रॉक, ये स्वेटर में ही निकलेगा आपका सारा टोटली कलरफुल माल। ये देखो बच्चों के पीस में भाई हमेशा डिजाइन मिलेंगे आपको। ये देखो एक और फ्रॉक, ये बच्चों का चिल्ड्रन स्वेटर, ये देखो बच्चों का कार्डिगन, सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम होता है बच्चों का। ये देखो, नेक्स्ट बेल रहेगी भाई अपनी बंडे की। ये रहेगा भाई आका में कोरिया के अंदर, इसमें भाई आपकी
आप बाजू की जैकेट निकलने वाली है। इसमें पूरी बेल के अंदर भाई आपको सारा बंडा निकलने वाला बंडा मिलेगा इसमें, ये देखो। ये देखो सारा टोटली पार्का के अंदर आप बाजू का बंडा। ये देखो शर्ट जो भी प्रेसिंग पे भेज दी थी, दिखाओ दूसरी। ये देखो प्रेस होने के बाद इस पे टैग लग जाएगा, ये देखो। जो असली भाई फिनिशिंग आती है वो प्रेसिंग के बाद ही आती है इसमें। ये देखो ये शर्ट, ये देखो भाई पार्का वेस्ट। इसमें भी आपके भाई सारे साइज निकलने वाले पार्का वेस्ट के अंदर। इसके भी अंदर भाई प्रेस होते ही बिल्कुल सारा माल साफ सुथरा हो जाएगा। इसके भाई आपके बहुत सारे ब्रांड के पीस भी इसके अंदर निकलने वाले। ये भाई आपकी बंडे की पेस्ट, ये देखो। टोटली इसके अंदर आपके बंडे निकलेंगे, ये देखो आप बाजू। ये भी आपकी 80 किलो की बेल रहेगी बंडे की। ये देखो अभी इसको प्रेस करवाने के लिए भेजते हैं। लो ये भाई आपका बंडा। ये तब आपका पार्का वेस्ट। नेक्स्ट बेल रहेगी भाई आपने माउंटेन पैंट एवी। ये देखो ये आपकी एवी माउंटेन पैंट होती है कोरिया के अंदर। ये देखो इसके अंदर आपके भाई बहुत ब्रांड के पीस भी निकलेंगे। ये देखो ये था पार्का पजा उसका माउंटेन पैंट। ये ऊपर से भाई पल्ली फटने के कारण दो चार पीस पे धूल मिट्टी लग जाती है, एक आधे पीस पे कुंडी भी लग जाती है। ये देखो माउंटेन पैंट। टोटली साफ सुथरा माल इसके अंदर आपका माउंटेन पैंट के अंदर निकलने वाला है। ये देखो टोटल साइज का सबसे जल्दी से बिकने वाला माल होता है ये माउंटेन एवी। और ये भाई एक पैंट अगर कोई इसको 5 साल भी रेगुलर पहने इसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी ये भाई माउंटेन हैवी। तो भाई एक बेल ये लास्ट में रहेगी आरटीएस की स्वेट शर्ट की जो अभी
पहले भी खोल ली थी। ये देखो, दिखाओ, ये देखो बंडा अभी प्रेस हो गया है। ये देखो ये पारखा वेस्ट बंडा, इसको चाहे बंद कर लो या ऐसे खुला छोड़ दो। ये वही स्वेट शर्ट की बेल जो अभी आपने उस साइड में देखी थी, ये देखो अल्ली पटने के कारण भाई ऊपर से दो चार पीस इसमें हमेशा खराब हो जाते हैं। एक बेल रह गया ना, कटर कहाँ छोड़ दिया मैंने। ये देखो लेडीज की जैकेट, ये भी भाई आपकी टोटली फोल्डेड रहेगी लेडीज की जैकेट। ये देखो इसके सारी बंडल, ये भाई लेडीज की लाइट जिपर जैकेट, इसमें साइज थोड़े छोटे होते हैं लेडीज में, मेंस के थोड़े बड़े साइज होते हैं। ये अभी आपको ऐसे लग रही होगी, ये देखो डबल साइडेड, ये प्रेस होने के बाद इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और माल भी सारा स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखो पीछे स्टिक, ये लेडीज की लाइट जिपर जैकेट, एक किलो में ये लगभग दो पीस आएंगे आपके। हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो आपको भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और भाई कमेंट जरूर कर दो अच्छे अच्छे अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आप अगर हमारे वेयर हाउस पे आए हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए नीचे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जल्दी अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, हमारी भाई फैमिली का एक सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। तो बाकी अभी करते वीडियो का एंड, नमस्ते, जय हिंद।